आज हम बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनाएंगे। ये गुलाब जामुन हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे जो कि मुंह में जाते ही आपके घुल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन को। नमस्ते मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ ही गया ना। गुलाब जामुन होती है ऐसी रेसिपी है, ऐसी स्वीट्स होती है कि सभी के मुंह में पानी ला ही देती है। आज इस गुलाब जामुन को हम मावे से बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं। आज इस गुलाब जामुन को हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से। मिल्क पाउडर आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी का मिल्क पाउडर लिया जाए गुलाब जामुन बनाने के लिए। बिना फेल हुए आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं बनाऊंगी, जो जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी वो सारे आप फॉलो करिएगा, मेरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, उसके बाद आप बनाएंगे ना तो बिना फेल हुए आपके 100% बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से बनकर तैयार हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक करना ना भूलेगा, प्यारा सा लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना ना भूले। और आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर ले रखा है और आप कोई भी मिल्क पाउडर लेकर गुलाब जामुन बना सकते हैं। ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लें, अगर गुलटियाँ हो तो आपकी मर्जी है, छानना चाहते हैं तो छान भी लीजिए। और जब आप गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करें तभी आप डब्बे से बाहर करें, वरना ये लम्स आ जाएंगे इसमें। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे दूध। दूध या पानी दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको डालनी है। दूध पहले से उबला हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको इकट्ठा करेंगे। डो की तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हाथ से ऐसे ही हमें मिक्स करना है। और एक बैग दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है वरना ये गीला हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस कभी गीला हो जा रहा है तो आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर इसमें और ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध डाल दिया है और दूध मैंने एक कप लिया था। एक कप में देखिए इतना दूध हमारा बच गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए ऐसी है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। और जब तक ये 5 मिनट रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं, यानी कि अपने गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, इसमें हम अपनी सारी 500 ग्राम चीनी को डाल दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल दिया है। चाशनी को हम धीमी धीमी आंच में पकने देंगे, चीनी को धीमी आंच में मेल्ट करेंगे। एक तार पूरा नहीं बनना चाहिए, बस बनने वाला हो उतना हम चाशनी को पकाएंगे। जब तक चाशनी हमारी बन रही है, शुगर सिरप तैयार हो रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे इलायची ले रखा है और इस इलायची को हम कूट करके इसका पाउडर बना ले रहे हैं। चाशनी देखिए कितनी अच्छी तरीके से बॉयल हो रही है, पक रही है। तो जो हमारी चीनी थोड़ी बहुत गंदी होती है तो उससे चाशनी का कलर ख़राब हो जाता है। तो अब हम अपनी चाशनी को क्लीन करेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दूध और जैसे जैसे चाशनी में उबाल आएगा वैसे वैसे ये झाग के जरिए सारी गंदगी एक साइड में हो जाएगी, उसे हम छान के बाहर कर देंगे। देखिए जैसे जैसे चाशनी हमारी पक रही है वैसे वैसे इसकी सारी गंदगी एक साइड में हो रही है, तो इसे छान के हम बाहर कर देंगे। इस तरीके से आप खुद ही देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी होती है चीनी में, जो कि हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। तो आप जब भी बनाएं गुलाब जामुन वगैरह तो चाशनी को एक बार क्लीन ज़रूर करें इसी तरीके से। ये ट्रिक आपको आगे चल के बहुत ही काम आने वाली है। तो इसी तरीके से हम अपनी चाशनी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं पूरा। चाशनी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गुलाब जल, गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आपको गुलाब जल डालना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच उतना हम डाल देंगे इसमें गुलाब जल, रोज़ वाटर। और अगर आपके पास रोज़ वाटर या फिर इलायची पाउडर में से दोनों में से कोई एक चीज़ है तो आप सिर्फ एक ही चीज़। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा करके इस तरीके से, काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो देखिए एक जैसे कि हाथ पे आप ऑयल लगाएं तो ऑयल की कोटिंग हो जाती है ना तेल की। एक तार तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बस बनने वाला हो उतना ही आपको चाशनी को पकाना है। तो गुलाब जामुन के लिए चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब हम इसे साइड में कवर करके छोड़ देते हैं और अपने गुलाब जामुन को बनाते हैं। देख लेते हैं अपने मिल्क पाउडर को,
और अभी आपने देखा ना कैसी कंसिस्टेंसी थी कुछ टाइम पहले। इसे हम थोड़ा सा हाथ से इकट्ठा करेंगे, ये देखिए कितने अच्छी तरीके से इकट्ठा हो रहा है। ऐसे हमें पूरा इकट्ठा कर लेना है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है इस पर, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, ऐसे हाथ से हम इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लेंगे और बॉल्स इसका बनाएंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा दबा के आपको बॉल्स नहीं बनाना है। इस तरीके से हम थोड़ा सा लेंगे और आराम से ऐसे बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि एक भी क्रैक इसमें नहीं होना चाहिए, एक भी दरारें रहेंगी तो फटाफट तेल में जाते ही ये फट जाएंगे। आपको देखिए ऐसे ही चिकने बॉल्स बनाने हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ, ऐसे हाथों के बीचों बीच रखेंगे और ऐसे हाथ को घुमाते जाएंगे तो अपने आप सेफ ले लेंगे अच्छी तरीके से ये चिकने एकदम बॉल्स, अच्छी तरीके से गोले गोले बन जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से चिकने बॉल्स सारे हमें बना लेने हैं। इसे रखेंगे हम एक प्लेट में और ऐसे ही अपने सारे बॉल्स बनाकर तैयार करते हैं। कुछ बॉल्स देखिए हमारे बनकर तैयार हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम चिकने बॉल्स मैंने बनाकर तैयार किया है ये देखिए। तो चलिए हम मीडियम फ्लेम करते हुए इनको थोड़ा सा तलते हैं। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम में गरम कर लिया है और एक एक बॉल्स को हम इस तरीके से हाथ को बचाते हुए डालेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल कितना गरम है, बस इसी तरीके से हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए। एक एक अपने सारे बॉल्स को हम डाल देंगे और कुछ टाइम के लिए तो हमें टच बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब ये अच्छे से सेट होने लगेंगे नीचे से तब हम थोड़ा सा हल्का सा स्पून से साइड से ऑयल को हिला देंगे, उसके बाद ये अपने आप सेट हो जाएंगे और घूमते हुए पक जाएंगे। आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक एक हमें ऐसे डाल देना है जितने आ जाते हैं। एक बार में मैंने 13 गुलाब जामुन डाल दिया है और अच्छी तरीके से हम इनको पकने देते हैं। हल्का सा हम ऐसे साइड से थोड़ा सा ऑयल को हिलाएंगे। देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारे सारे गुलाब जामुन पक रहे हैं और इन्हें मैंने थोड़े से बाद में डाल दिया है इसलिए ये थोड़े से अभी कच्चे हैं और ये सब अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इनका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, इनको हम निकाल लेते हैं फटाफट से बाहर। अपने सारे गुलाब जामुन को हम डाल देते हैं फटाफट से गर्मा गर्म चाशनी में और अच्छी तरीके से इनको डिप कर देते हैं और कवर कर देते हैं। सेम इसी तरीके से अपने बचे हुए सारे गुलाब जामुन को बना लेते हैं। सारे गुलाब जामुन को मैंने चाशनी में डाल दिया है और देखिए कितने बढ़िया बने हैं, बहुत ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बने हैं। मैं आपको अभी कुछ टाइम बाद कट करके दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, हमें इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं नहीं रहा जा रहा है तो आप 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये चाशनी अच्छे से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप अभी चाशनी नहीं पी रहा है या फिर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आपको आपके गुलाब जामुन, तो सारे गुलाब जामुन चाशनी से बाहर कर लीजिए और चाशनी को थोड़ा सा गर्म करिए, वो वापस से आप गुलाब जामुन इसमें डाल के और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे 5 घंटे के लिए हम कवर कर देते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे 5 घंटे बाद। 5 घंटे हमारे हो चुके हैं और ये देखिए 5 घंटे बाद हमारे सारे गुलाब जामुन कितने अच्छी तरीके से फूल गए हैं। मैं आपको एक गुलाब जामुन को कट करके भी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने अच्छे हैं। आप मीठा चाशनी आप पे डिपेंड करता है, आप कितना मीठा बनाना पसंद करते हैं। इसे हम कट करेंगे, आप देख रहे हैं ना कितने इजीली से स्पून इसके अंदर चली जा रही है। ये देखिए कितने आराम से हमारे गुलाब जामुन कट रहे हैं, बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं, आप देख लीजिए खुद ही। मैं आपको थोड़ा सा दबा के दिखा रही हूँ कितने अच्छे से इसने अपने अंदर चाशनी को अब्जॉर्ब कर रखा है। अंदाज़ा आप लगा ही सकते होंगे कितने अच्छे से इसने चाशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रखा है। ये देखिए मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ अगर आपको डाउट है तो किस तरीके से ये पका है। ये देखिए चाशनी देखिए कितने अच्छे से दबाने के बाद निकल रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कितने अच्छी तरीके से हमारे गुलाब जामुन चाशनी को पी रखे हैं। जब ऐसे गुलाब जामुन फट जाते हैं तो मुंह में जाते ही खुल जाते हैं, खाने का मज़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, मुँह में तो पानी आ ही रहा होगा। ये देखिए कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इसे मावे से नहीं बनाया है, कितने अच्छी तरीके से स्पॉन्जी हो रखे हैं हमारे सारे गुलाब जामुन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका भी मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, मुंह में पानी आ रहा है, तो फटाफट से आप भी एक गुलाब जामुन को खा ही लीजिए और खा के मुझे बताइए कि कैसा बना है। आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते होंगे कितने अच्छी तरीके से मैंने इसे पका रखा है, मैं दबा रही हूँ ना तो कितने अच्छी तरीके से चाशनी इससे बाहर निकल रही है।
तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।